महाराष्ट्र में शिवसेना की लड़ाई से ज्यादा दिलचस्प हो गई है दशहरा रैली की लड़ाई। आखिर दशहरे पर शिवाजी पार्क में कौन शिव सैनिकों को संबोधित करने वाला है? बाला साहब ठाकरे की इस विरासत को कौन आगे बढ़ाने वाला है? अभी तक तो उद्धव ठाकरे बढ़ाते रहे हैं, लेकिन बदले हालात में एकनाथ शिंदे जो शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं, क्या वो शिवसेना की रैली को संबोधित कर पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में शिंदे और उद्धव गुट में शिवसेना को लेकर तो घमासान मचा ही हुआ है, इसके साथ ही दशहरा रैली को लेकर भी दोनों गुट आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करना चाहते हैं, वहीं शिंदे भी रैली करने पर अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल शिवाजी पार्क को लेकर शिंदे और उद्धव गुट के बीच का यह घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है, तनाव भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली को संबोधित कर अपनी कई दशक पुरानी परंपरा को निभाना चाहते हैं, तो वहीं शिंदे गुट भी इसी मैदान में दशहरा रैली कर अपनी जिद पर अड़ा हुआ उसे दावेदारी जो ठोकना है। अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे को किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं मिले, इसके लिए शिंदे गुट शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली करने की जिद छोड़ सकता है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी स्थित एमएमआरडीए मैदान पर दशहरे के दिन रैली को संबोधित कर सकते हैं। शिंदे की रैली को दशहरा रैली का ही नाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि शिवसेना की स्थापना से ही हर साल दशहरे के दिन शिवसेना प्रमुख शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को संबोधित करते आए हैं। इस रैली को पहले बाल ठाकरे संबोधित करते थे, उनके बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे दशहरा रैली को संबोधित करने लगे। शिवसेना में बगावत के बाद दशहरा रैली को लेकर उद्धव और शिंदे गुटों में खींचतान चल रही है। शिवाजी पार्क मैदान पर रैली करने की अनुमति उद्धव गुट के अलावा शिंदे गुट ने भी मांग की है। वैसे अब तक बीएमसी ने किसी को इस मैदान पर रैली करने की अनुमति नहीं दी है। शिंदे गुट के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि संभव है कि दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क दोनों गुटों में से किसी को ना मिले और दोनों गुटों को अन्य जगहों पर रैली करनी पड़े। उनका कहना था कि हमारा मानना है कि शिवाजी पार्क में शिवसेना की परंपरागत रैली अगर उद्धव ठाकरे को नहीं करने दी जाती है तो इससे उद्धव को सहानुभूति का लाभ मिल सकता है, इसीलिए शिंदे गुट ने शिवाजी पार्क के बजाय बीकेसी में दशहरा रैली करने पर विचार किया है। योजना है कि भारी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा जिससे उद्धव गुट हताश हो जाए। शिंदे की रैली में 2 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। शिंदे गुट चाहता है कि मुख्यमंत्री शिंदे की रैली उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली से बड़ी हो, लेकिन उद्धव ठाकरे कहाँ रैली करेंगे? यदि वो शिवाजी पार्क में रैली करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये उनकी बड़ी जीत मानी जाएगी। ये बड़ी जीत इसलिए होगी क्योंकि शिवसेना के लिए दशहरा रैली और शिवाजी पार्क दोनों का बड़ा महत्व है। शिव सैनिक इसी जगह पर आकर टिकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि दशहरा के दिन शिवाजी पार्क भी दे दिया जाए उद्धव ठाकरे को, उनकी रैली में लोग भी ना पहुंचे और एकनाथ शिंदे की रैली ज्यादा बड़ी दिखाई दे, तो ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर मैदान पर समर्थकों के लिहाज से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को हराने की कोशिश करें, लेकिन ये वार भारी भी पड़ सकता है, ये दांव भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि शिवसैनिक जैसा कि उद्धव ठाकरे पहले कह चुके हैं कि देश भर से लगातार दशहरा रैली के लिए मुंबई पहुंचने का बंदोबस्त कर चुके हैं, आ रहे हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ लगती है, लिहाजा शिवसैनिक तो शिवाजी पार्क में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उसकी आदत है। क्या असली शिवसैनिक एकनाथ शिंदे की रैली में जाएंगे या उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे, बड़ा सवाल है। बीजेपी इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ है, लिहाजा ये भी अटकलें हैं कि बीजेपी इस रैली को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है और बहुत मुमकिन है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में पहुंचे। लेकिन क्या ये असली शिवसेना की रैली होगी? क्या ये वो रैली होगी जिसे बाला साहब ठाकरे संबोधित करते थे? या दशहरा मैदान पर भले ही कम तादाद में शिव सैनिक पहुंचे तो भी उद्धव ठाकरे अपनी ताकत को बढ़ा पाएंगे, वो सहानुभूति भी हासिल कर पाएंगे और बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर हो सकता है कि शिवाजी पार्क में आदित्य ठाकरे को आगे कर कोई बड़ा ऐलान भी कर दें। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि दशहरे के दिन क्या होता है शिवाजी पार्क में। लेकिन हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी कहा था कि असली शिवसेना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला धड़ा है। खुद अमित शाह जब मुंबई आए तो वो ये बात कह चुके हैं, उन्होंने कहा असली यही है, देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं, बीजेपी और सहयोगी दल तो लगातार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना है, लेकिन तय किसे करना है? शिव सैनिकों को।
और आठवले ने कहा था कि मुंबई के शिवाजी पार्क में पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने का नैतिक अधिकार एकनाथ शिंदे को है। गौरतलब है कि मुंबई के नगर निकाय ने बताया कि उसे शिवसेना के उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट दोनों धड़ों से अक्टूबर में पार्टी की दशहरा रैली के लिए विशाल शिवाजी पार्क को आरक्षित करने के रिजर्व करने के लिए आवेदन मिले हैं। ये रैली शिवसेना के राजनीतिक कार्यक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आयोजन मानी जाती है जो बीते कई दशकों से शिवाजी पार्क में होती आ रही है। इसीलिए शिवाजी पार्क में होने वाली दशहरा रैली को ही असली रैली माना जाता है, इसमें कोई दो राय। जून में शिंदे गुट के विद्रोह के बाद से इस बार दो दावेदार मौजूद हैं। गुट ने पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर भी दावा किया है। शिवसेना के ठाकरे और शिंदे गुट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए बीएमसी में अलग अलग आवेदन दिए थे। ठाकरे गुट ने अपना आवेदन 22 अगस्त को जमा कराया था, शिंदे गुट ने थोड़ा बाद में 30 अगस्त को ये जमा कराया था। यानी ये बात तो साफ थी कि शिंदे गुट दशहरा रैली के महत्व को जानता है और वो इंतजार कर रहा था कि उद्धव ठाकरे इस पर क्या फैसला लेते हैं। उद्धव ठाकरे ने असली शिवसेना का दावा पहले से कर रखा है और दशहरा रैली पर भी उन्होंने पहले दावेदारी की है। इस साल दशहरा 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा और 5 अक्टूबर से पहले ही ये तय हो जाएगा कि किसे परमिशन मिली किसे नहीं मिली। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे तो किसी टकराव से बचना, आपको याद होगा शरद पवार ये कह चुके हैं, मुख्यमंत्री होने के नाते एकनाथ शिंदे को किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहिए। हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई कि क्या शिंदे गुट ने शरद पवार की बात मान ली है। शरद पवार एक बहुत ही सुलझे हुए और राजनीति के चाणक्य के व्यक्ति माने जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अब भी दबदबा चलता है और वो लगातार कह रहे हैं कि इस तरह के टकराव से बचना चाहिए। हालांकि उनकी सलाह से ज़्यादा बीजेपी और शिंदे गुट को अभी इस बात की चिंता है कि यदि रैली करने का मौका उद्धव ठाकरे को नहीं मिला तो सहानुभूति तो मिल सकती है। इस सब के बीच में एक सर्वे की भी खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे शिवसैनिकों पर सर्वे करवा रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे को ये खबर लग चुकी है कि शिवसैनिकों को उनकी बगावत पसंद नहीं आ रही है, या शिवसैनिक धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की तरफ अपना रुझान बना रहे हैं? बहरहाल इन सवालों के जवाब तो रैलियों के दौरान मिलेंगे, लेकिन ये तय है कि एकनाथ शिंदे भी ज़मीन पर अपनी ताकत दिखाएंगे। निश्चित तौर पर उनकी रैली में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे। हो सकता है उद्धव ठाकरे से बड़ी रैली एकनाथ शिंदे की दिखाई दे, लेकिन इस सब के बीच ये भी देखना होगा कि उद्धव ठाकरे की रैली में कितने लोग पहुँचते हैं और क्या वो शिवाजी पार्क में रैली कर पाते हैं, क्या उन्हें परमिशन मिल पाती है। अभी लग तो ये रहा है कि टकराव को देखते हुए दोनों को ही परमिशन नहीं दी जाएगी। हालांकि क्योंकि पहले आवेदन उद्धव ठाकरे ने दिया है तो लिहाजा उनकी दावेदारी पहले मजबूत होती है, वो पहले भी संबोधित करते आए हैं, लिहाजा उनकी दावेदारी और मजबूत हो जाती। तो बहुत मुमकिन है कि दशहरे की रैली आयोजित करने का मौका एक बार फिर उद्धव ठाकरे को मिल जाए। आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। जैसे कि हमने देखा जो शिवसेना का पुराना ऑफिस था या अभी तक जहां ऑफिस चलता आया था, वो जगह भी उद्धव ठाकरे को मिल गई इस लड़ाई के दौरान और एकनाथ शिंदे को शिफ्ट होना पड़ा अपने गुट के साथ में। हालांकि वो भी कह रहे हैं कि हम भी शिवसेना ही हैं, उद्धव ठाकरे तो शिवसेना है ही, लेकिन बगावत के बाद इनका कहना है कि हम आंतरिक बगावत है, ये पार्टी का आंतरिक मामला है और हम नेतृत्व परिवर्तन के लिए अलग हुए, सरकार गिराने के लिए नहीं। क्या पार्टी की इस तरह की अंदरूनी बगावत के बाद नेतृत्व परिवर्तन की इजाज़त संवैधानिक पीठ एकनाथ शिंदे गुट को देगी, ये भी बड़ा सवाल है। इस सब के बीच में असली लड़ाई जमीन पर देखने को मिलेगी कि शिव सैनिक किसके साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।